फाइनली दिन आ गया है इसे तोड़ने का, लद्दाख जाने का। नीचे तोड़ेंगे भाई। तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा भैया, बहुत मेहनत करी थी लेकिन तोड़ना तो पड़ेगा। लद्दाख कैसे जाएंगे? I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. क्या बात है, ऑल द फकिंग बेस्ट। तैयार, एकदम तैयार। इस टाइम बज रहा है रात के 3:30 और मैं यहाँ अंधेरे में रोहन का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे रोहन कब तक आएगा। और ऐसे में हमारा मीटअप पॉइंट है हमारे सन्नी भाई, जो हमारी मोहब्बत में इस टाइम भी शॉप खोलने को तैयार है। अब देखते हैं वो कब तक आते हैं, बाकी से लौंडे कब तक आते हैं। अगर रोहन भैया पेट्रोल पंप सन्नी भैया आ गए खड़ा है बाहर तो वाला तखत नहीं है। ये काम करवा रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह। सन्नी भाई स्टैंड लगा रहे हैं अजीम भाई का। अजीम भाई का आया भाई साहब, निकलते निकलते सुबह हो गई लेकिन गाड़ी अपनी फुल पैक डन। एवेंजर पे बैठेगा अब है तो इसलिए कोई कुछ सामान नहीं, और ये अजीम की बाइक भी डन। 5:30 हो गया ऐसी बैठे वो मेरी बाइक लेके गया हुआ है सामान लेने। अब भी सुबह हो गया, सन्नी भाई मोहब्बत में चाय बना रहे हैं। क्या कह रहे हो, तेल खत्म हो गया? अरे पंडित जी भी आ गए ये। अरे मुझे बुला के बैठा दिया इन्होंने। चलो अब चलना है सन्नी भाई, मिलते हैं आपसे आकर। भाई साहब की बीचेस हटानी पड़ेंगे, पेट्रोल डलवाना भाई साहब, पेट्रोल। फाइनली अब जाके 6 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से। आज के दिन हमारा ये है कि जितना ज़्यादा दूर जा सकते हो उतना दूर जाएंगे। चंडीगढ़ तो एनी हाउ क्रॉस करना ही करना है, बाकी देखो कहाँ तक जाते हैं। रात को निकलने का प्लान ये था कि रश अवॉइड कर लेंगे, आराम से निकल जाएंगे। निकलते निकलते सुबह हो ही गई, रश मिलने लग गया है, सुबह ही जाम मिल रहा है। एक नई प्रॉब्लम और हो रही है इस टाइम पे, अजीम भाई की बाइक में हैंडल हिल रहा है क्योंकि पीछे ज़्यादा सामान हो गया लोड, तो उसका हैंडल बहुत तेज़ हिल रहा है। इस वजह से ज़्यादा वो तेज़ चला नहीं पा रहा है। अजीम को इसलिए आगे रखा हुआ है कि ताकि पता चलता रहे कि कैसे चल रही है उसकी बाइक। वैसे अभी तो लग रहा है कि ठीक चल रही है। रोहन बता रहा है कि उसकी बाइक का भी हिल ही रहा है हैंडल। चलो अभी आगे जाके किसी मैकेनिक को दिखा देंगे, सही हो जाएगा या फिर लोड थोड़ा कम कर देंगे। लोड भी तो काफ़ी हो गया है, रोहन तो पूरा घर बसाने जा रहा है। रोहन की बाइक पे वैसे एक बैग मेरा भी है। हाथों में दर्द हो रहा है? हाँ हाँ, जहाँ मिलेगा हैंडल टाइट करा देंगे। 2 घंटे तो झेलना पड़ेगा। 2 घंटे झेल लूँ, उससे ज़्यादा नहीं झेल पाऊँगा। हाँ चल चला। इस टाइम हम पहुँच गए हैं जसपुर, और आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे रोहन भाई बुलेट किसकी चला रहे हैं। रोहन भाई के पास तो RR 310 है। रोहन भाई ने लद्दाख जाने के लिए बुलेट खरीदी है भाई साहब, इतना क्रेज कि RR नहीं बुलेट से ही जाऊंगा भाई लद्दाख। मैं वही कहूँ, अजीम कुछ कह क्यों नहीं रहा।
अरे नाक में गुजली हो रही, नाक में गुजली नहीं कर पा रहा। अबे अजीम कहाँ गया? अबे हो अजीम भाई, अजीम भाई हक के आ रहे हैं। ये अबे झूठ बोल रहा है ब्लॉग में, तू बेल्ट क्यों बंद कर रहा है? टाइम टू वेक अप 7:30। 7:30 पे हमने कितनी चला ली है? 60 किलोमीटर ओनली। बड़ी मेहनत के बाद फाइनली एक ढाबा मिला है 151 किलोमीटर पे। अरसों बाद हुलिया बिगड़ते हुए और एक ढाबा मिलते हुए कान बढ़ते हुए। अजीम भाई तो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हैं। अजीम भाई का कान फट गया। अबे तेरा कान फट गया? अबे का तो बहुत पहले फट गया। इसे चलाने वाला नहीं आती। तो सनी भाई भी पत गया था भाई ऐसे गड्ढो में, पता नहीं कैसे उछल खुद तो खड़ा हो जा रहा था, मेरे हाथ में दो दो बैग। तो मैं तो बच जा रहा था ना भाई, मैं तो नहीं बच पा रहा था ना। और आप क्या कहेंगे? ढाबे से उठ के पता नहीं कहाँ गए, थोड़ा सा आगे निकले थे, ड्रोन भाई अलग ट्रैक पे निकल गए हैं, तो हम पता नहीं कहाँ बैठे हैं। ड्रोन भाई ने बोला एक्सप्लोर करके आते हैं, हमें आना था नीचे। रोहन भाई चढ़ गए फ्लाईओवर के ऊपर, उन्होंने सोचा पहले ऊपर से रास्ता देख लूँ नीचे का कि है कैसा, नहीं तो फिर ये ऊपर वाला रास्ता लेते हैं, भले ही लंबा है लेकिन रास्ता अच्छा है। यहाँ से चंडीगढ़ 100 पावर 104 104 रोड देख रहे ऐसी पॉपकॉर्न। रोहन भाई कह रहे हैं 2 घंटे, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ 1.25 घंटा। तू तो बोल मत, पिलियन पिलियन डोंट स्पीक। अरे दिखेगा ही नहीं। 2 seconds later। अरे अब व्लॉग में ना रहते बदल गई है, वक्त भी बदल गया है। उसके बाद जब वहाँ से निकले तो वहाँ पर होने लगती थी बारिश, बारिश के बाद हमने अपने कैमरा वगैरह सब अंदर रख दिए थे, तो अब यहाँ बैठे हैं हम ढाबे पे मनाली के रास्ते में। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, हम यहाँ से निकलने की सोच रहे थे, सुबह से चला रहे हैं बाइक, हालत हो गई ख़राब, अब सोच रहे हैं कहीं आसपास कैंप लगाने की। रात हो गई उसी ढाबे पे, उसी ढाबे के पास लगा रहे हैं हम टेंट और अभी भी निकाल रहे हैं सामान। किस्मत तो बहुत लैंडी है भाई, यहीं पे पार्किंग है, हो रहा है सब सामान। मेरा पहला टेंट, दूसरा टेंट ऑलमोस्ट रेडी। मकान गंदा हो रहा है क्या मेरा? बाहर से तो देखो। अरे बाहर ये जूते लेके कौन चढ़ा उस पे? अजीम भाई होंगे। अजीम भाई लेके जाएगा गाड़ी ये लेके जाएगा।